से सुना करे। ऐ दुनिया वालों, आप लोग कहते हैं कि माहिल सिंह का मोच पक गया है, माहिल सिंह का भाप पक गया है, माहिल सिंह का झोझी लटक गया है। ऐ दुनिया वालों, आप लोग को दिमाग में भूसा ठूसा, माहिल सिंह का मोच पक गया तो क्या हो गया, भाप पक गया तो क्या हो गया, झोझरी लटक गया तो क्या हो गया। माहिल सिंह का साथ बेखारी जो बुद्धि का है अभी भी नौजवान है। कैसे चले का आप लोग को सोचना चाहिए, जिस बस्ती में, जिस गांव में मीटिंग होता है और ये माहिल सिंह नहीं जाता है, वहां का मीटिंग पास नहीं होता है। जिस मीटिंग में माली माहिल सिंह पहुंच जाता है वहां का मीटिंग पास हो जाता है, माहिल सिंह का पूरा इनाम मिलता है। जय भी भरकर अपने राज ओरियल में चला। इस समय माहिल जी के पास समय नहीं है, दो मिनट के लिए अपने कुर्सी में बैठ जाता हूं, दिमाग सोचता हूं कोई छतरी आएगा तो आएगा, नहीं तो माहिल सिंह अपने से जाएगा किला में कितने छतरी। देखा दुनिया वालों, देख लिया माहिल सिंह अपने बंगला पर बैठा और क्षत्रिय को उपस्थित हो गया, बहुत इनाम मिलेगा। बोल, बोलो भांजे। मामा जी बोल, मेरा पिताजी पृथ्वीराज आपको याद किया है। पृथ्वीराज वो तो दिल्ली का है, तो यहाँ चलकर आने का कारण क्या हुआ है, खुद वहां से फोन कर देते, मैं फौरन चला जाता।
मामा जी मैंने फोन लगाया लेकिन आपको स्विच अप है, टावर काम नहीं करता रहता, छोर मार कभी कभी करता रहता। आगे बोलो। इसलिए आपको इंतजार किया है, आप चलिए। क्या मैं राज वॉरियर से राज दिल्ली में चले? ठीक है राजन, तुम यहां से आगे बढ़ो, मैं पीछे से आ रहा हूं। ठीक है। देखा दुनिया वालों, आज यह माहिर सिंह दिल्ली में जा रहा है। दिल्ली किला कोई साधारण नहीं है, एक काबनो किला का तख्त राज दिल्ली है। माहिर सिंह जाएगा दोनों जेल पैसा से भरकर राजोरियल में आपस चलाएगा। भैया सुनो हमारी ये बात, भाई सुनो हमारी ये बात, वो पकड़ा रास्ता जो यार। देखते हुए शाम बिजलाल राम डॉक्टर साहब शानदार 51 रुपए की पुरस्कार की पार्टी ओर से धन्यवाद। मामा जी बोलो, भांजे बोलो, पहले सिंहासन पर बैठिए। मामा जी बोलिए, माइक ना है। हेलो, मामा जी बोलो, भांजे यह बताइए कि आप अपने ओरियल का समाचार सुनाइए। राज ओरियल का समाचार सदाई के लिए खुश है और खुश रहता है। भांजे ये भले तुम कहो, जो तुम अपने राज
बताओ तो कैसे रहते हो? मैं क्या शरीर की समाचार सुनाऊं मामा जी, और क्या राज की समाचार सुनाऊं? राज तो ऐसे टगमगी हिसाब से चल रही है कि सारे जगत की कौड़ी आ गए हैं, परंतु एक राष्ट्र ऐसा है जो वहां का कौड़ी नहीं मिलता है हमें। क्या बक रहे हो भांजे, यहां आओ और हमें समझाओ। सारे जगत की कौड़ी मुझे मिल चुकी है, एक राष्ट्र ऐसा है वहां से कौड़ी मुझे नहीं मिल रही है। ऐसा कौन सा राज है जो वहां से कौड़ी नहीं आता? वो राज कलिंजर है जो मोहबा को बल पर कूद रहा है, उदल की बल पर कूद रहा है, इसलिए वो कौड़ी देने से इनकार कर रहा है। हाँ? भांजे, ये छोटी मोटी बात लेकर हाँ? और महिल सिंह को सामने तुमने प्रस्ताव रखा? मामा जी, आपके लिए छोटी बात होगी, परंतु चौमरा के लिए छोटी बात नहीं, बड़े लाज है रे बरका की। काका क्या है लाज? शेखी डूब गए पृथ्वीराज का, ताकि शान चौमरा रखा है। हे मामा जी, बोलो। छोटी बात मत समझिए, आप इस बात का योजना बताइए मुझे कि किस तरह मुझे कौड़ी मिलेगी। अगर कौड़ी का व्यवस्था आप लगा दिए तो मुंह मांगा रकम आपको मिलेगी। देखो भांजे, ये माही सिंह को बाएं औंडी का खेल है। कैसे? इसके लिए तुम्हें खर्च 10 लाख रुपया करना होगा। 10 लाख कौन बतावे, आपके खाते में पूरे 15 लाख डलवा दूंगा। तो सुन लो भांजे, कान खोल कर सुनो। बोलिए। कलिंजर पति का पास वही ताकत है, नहीं कभी कौड़ी उछला सकेगा और ना उछल सकेगा। उसके पास जब तक ये 5 सामान रहेगा तब तक तुम कभी भी नहीं कौड़ी उछला सकते। 5 सामान कौन कौन सी? यहां से पत्र का तो राज कलिंजर। अच्छा। और 5 सामान लिखो। पारस पत्थल, सेंदला बेंदला घोड़ा, अमर भगवती तेगा, गिरमल हार, हाथी पत्सागर। ठीक है मामा जी, ये 5 सामान पत्र में लिखो और कलिंजर पति को दरबार में पहुंचा। ये 5 सामान तुम्हें हासिल हो जाएगा। कलिंजर पति राजा जो है, उदला को बोल से कुत्ता है, उसका बलवारी वही है। और भी कुछ बैर मुझे सजाना है मामा? बोलो। जैसे वो 5 वस्तु मुझे मिल जाएगा, तो जैसे ये डोली किया जाता है। पहले एक काम करो, तब दोबारा काम करो,
दोबारा काम फायदा हो गया भगना, तब तीसरा काम करो। सुंदर सिंह ये पत्र थामो और जाओ परमालिक सिंह को यह पत्र थमा देना, खुद ब खुद समझ जाएगा कि क्या सामग्री हमारे समधी साहब को चाहिए। परंतु बात का ध्यान है, छोटा राजा हो या बड़ा, परंतु तुम्हारे ससुर पिता का समान है कि नहीं? प्रणाम भाव करना, उसके बाद में राजनीति हेतु बात करना। मामा जी जय श्री, जब तक यह कार्य समाप्त नहीं होती है आपको 10-15 लाख रुपया और बढ़ा दिया जाएगा, आप मेरे दिल्ली में बैठे तब तक। ठीक है मामा श्री, जब तक तू कहेगा कि मामा जी आप रात दिल्ली में बैठे रहिए, तो हम बैठे रहेंगे। मामा समय के अनुकूल चलना है, ऐसे भी लेट हो चुकी है, चलिए विश्राम कक्ष में।